अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम करेंगे CS 403 प्रैक्टिकल असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन। 100% करेक्ट एंड वेरीफाइड सोल्यूशन होगा। कंप्लीट वीडियो को देखना है ताकि आपका सोल्यूशन जो है वो आप इजीली बना सके और उसमें कोई भी आपको मसला पेश ना आए, ठीक है। अगर आप CS 403 की असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं या CS 403 प्रैक्टिकल की असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं पेड, आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं जीमेल पे। जीमेल आईडी है islaakhtar@gmail.com। हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम देखते हैं कि आपने इस असाइनमेंट को बनाना किस में है। डॉट डॉक यानी कि वर्ड फाइल आपने अपने LMS पे अपलोड करनी है। नेक्स्ट वन प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, कंसिडर द फॉलोइंग रिलेशन स्कीमा ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है कि हमारे पास एक प्रोडक्ट का स्कीमा है, रिलेशन स्कीमा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि डेटाबेस रिलेशंस, ठीक है, डेटाबेस रिलेशंस जो हैं वो हमने बताने हैं, ठीक है। तो डेटाबेस रिलेशन बताने नहीं है हमारे पास, यहाँ पर एक प्रोडक्ट है उसकी हमें यहाँ पर टेबल्स की वैल्यूज़ जो हैं वो गिवन है, यानी कि यहाँ पर प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, प्राइस है, ब्रांड है। तो यहाँ में फिर हमें आईडी, नेम, प्रोडक्ट प्राइस एंड ब्रांड, ठीक है, ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। इसको हमने क्या करना है ये हम अभी आगे चल के देखते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे क्या है कि यू आर रिक्वायर्ड टू परफॉर्म द फॉलोइंग टास्क, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे टास्क हैं जो हमने परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहला जो हमारा टास्क है वो देख लेते हैं, वो क्या है कि रिप्रेजेंट द अबव डेटाबेस रिलेशन एज अ टू डिमेंशनल स्ट्रक्चर कॉल्ड टेबल, ठीक है। तो डेटाबेस रिलेशन ये है हमारे पास, हमने क्या करना है, इस डेटाबेस रिलेशन को हमने एज अ टेबल जो है वो शो करवाना है, ठीक है। तो किस में करवाना है, डेटाबेस में ही करवाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए सबसे पहले आपको ज़ैम्प जो है ये इंस्टॉल करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद आप इसको जब रन करेंगे तो आप यहाँ पे सारे ऑप्शन जो है ये स्टार्ट होंगे, ठीक है। तो इन दोनों को, फर्स्ट और सेकंड को आपने स्टॉप कर देना है, ठीक है। इन दोनों को मैंने स्टॉप किया है, आपने भी इन दोनों को स्टॉप करना है। फिर आपने क्या करना है, दोनों को स्टॉप करने के बाद फिर आप जाएंगे गूगल पे, गूगल पे जाके तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे लोकल होस्ट और फिर आगे इस तरह से स्लैश जो है वो लगाएंगे आप और एंटर प्रेस कर देंगे, ठीक है। तो ये जो इस तरह से आपके पास आ जाएगा, ठीक है, इस तरह से आपके पास तब ही आएगा जब आप ये काम जो है जैम को स्टॉप करने वाला काम जो है सही से करेंगे, ठीक है। जब आप दोनों को स्टॉप कर लेंगे फिर आप लोकल होस्ट यहाँ पे आके लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से आ जाएगा वेलकम टू जैम। तो यहाँ पर आप करेंगे PHP माई एडमिन, ठीक है, PHP माई एडमिन करेंगे तो आपके पास इस तरह से इंटरफेस जो है वो आ जाएगा। अब यहाँ पे आपका क्या काम है, यहाँ पे आपने SQL क्यूरीज जो हैं वो राइट करनी है, ठीक है। जो हमें टास्क गिवन है क्वेश्चन फाइल में, ये टास्क इनको परफॉर्म करने के लिए हम SQL क्यूरी जो है वहाँ पे राइट करेंगे और फिर हम स्क्रीनशॉट्स लेंगे, ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना है कि हमें एक नोटपैड को ओपन करना है और उसमें हमें अपनी SQL क्यूरीज जो हैं मैंने यहाँ पे राइट की हैं, लेकिन आपने यहाँ पे राइट नोटपैड में नहीं करनी, ठीक है, आपने राइट करनी है यहाँ SQL में, ठीक है। तो कैसे राइट करनी है और उनको कैसे रन करना है, क्या स्क्रीनशॉट्स लेने हैं, ये सब बातें जो हैं हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। अब सबसे पहले जो है हम देख लेते हैं कि हमारा जो टास्क वन था वो क्या था, कि हमने एक टेबल क्रिएट करना है प्रोडक्ट और उसमें हमने वैल्यूज़ जो हैं वो जो हमें गिवन है डेटाबेस रिलेशन में उनको हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो टेबल बनाना है, तो ये हमारा फर्स्ट काम है टेबल बनाने का। तो इसको जो है मैं इतना कोड कॉपी कर रही हूँ, ठीक है, तो इतना कोड जो है मैं कॉपी कर रही हूँ। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पे लोकल होस्ट में जाऊँगी, क्योंकि मैंने यहाँ पे पहले से ऑलरेडी लिख के रखा है ताकि वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो। तो आपको नोटपैड में लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ SQL में लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने न्यू करना है, ठीक है। न्यू पे करके तो आपने एक डेटाबेस जो है सबसे पहले क्रिएट करनी है। अगर आप डेटाबेस क्रिएट नहीं करेंगे तो आपकी जो है नेक्स्ट काम जो है वो भी नहीं होगा, ठीक है। ये डेटाबेस क्रिएट करना सर ने नहीं कहा, लेकिन ये आप करेंगे तो फिर ये नेक्स्ट काम हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक डेटाबेस क्रिएट करनी है, तो उसके लिए आप लिख लें क्रिएट, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे डेटाबेस, उसके बाद आप लिखेंगे जो भी आप डेटाबेस का नाम रखना चाहते हैं, जैसे मैं रख लेती हूँ CS 403 प्रैक्टिकल, ठीक है। तो जो भी आप आपका दिल करे आप उसका नाम रख सकते हैं, ठीक है। मैंने ये रख दिया CS
3 या 403 प्रैक्टिकल, तो कोई भी नाम आप रख सकते हैं। उसके बाद आप कॉलन लगाएंगे, कॉलन लगाने के बाद आप यहाँ पे गो करेंगे तो आपकी डेटाबेस जो है वो बन गई। यहाँ पे ये देखें, ये मेरी सारी डेटाबेसिस हैं और ये डेटाबेस जो हमने न्यू बनाई है यहाँ पे आ गया। अब इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ये देखें जब ये सिलेक्ट होगी तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, बाकी सब पे प्लस है क्योंकि मैंने उनको सिलेक्ट नहीं किया, तो जिसको सिलेक्ट किया उस पर माइनस आ गया। इसको मैंने सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद SQL में जाएंगे और फिर यहाँ पे हम जो है हम अपना जो टास्क वन है कि हमने एक टेबल जो है वो क्रिएट करना है इस डाटा से, तो वो हम क्रिएट करने लगे हैं। उसके लिए हमने थोड़ी सी SQL क्यूरीज लिखी हैं, तो इसको मैं कॉपी कर रही हूँ यहाँ से अपनी क्यूरीज को जो मैंने यहाँ पे राइट की हैं। ठीक है, एक दफ़ा आपको भी दिखा देती हूँ कि किस तरह से राइट करना है और क्या राइट करना है। ठीक है, इसको हमने लिखना है यहाँ पे, यहाँ पे इसको मैंने राइट कर दिया। ये हमारा SQL हमारी क्यूरीज होगी टेबल क्रिएट करने के लिए। तो फिर मैं क्या करूँगी, इसको मैं गो करूँगी तो आप देखेंगे कि हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, यहाँ से आपको मैं दिखाती हूँ हमारा जो टेबल क्रिएट हुआ है वो टेबल जो है यहाँ पे प्रोडक्ट में जाएंगे और ये देखिए हमारा टेबल जो है वो क्रिएट हो गया है और उसमें जो वैल्यूज थी हमारे पास प्रोडक्ट यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोडक्ट टेबल है, उसमें प्रोडक्ट आईडी है, नेम है, प्राइस है, ब्रांड है और फिर उसको हमने वैल्यूज़ दी हैं कि मोबाइल है, ठीक है, टायर, हेडलाइट्स, ये सारी चीज़ें जो हैं अब हमारे टेबल में आ गई है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है, ये प्रोडक्ट आईडीज़ हैं, ये नेम्स हैं, ये प्राइसेस और ये ब्रांड्स। ठीक है, तो इट्स मीन के टास्क वन जो है वो हमारा कम्प्लीट हो गया है। टास्क टू क्या है हमारे पास वो देख लेते हैं। Perform the following relational algebra operations on the given table and provide resultant tables. ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, हमने algebra operations जो हैं इस table पे लगाने हैं और फिर जो हमारे पास आए परफॉर्म करके इन functions को हमने उसके screenshots भी लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने इसका जो है screenshot ले लेना है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट जो है फर्स्ट स्क्रीनशॉट आपका ये होगा। नेक्स्ट काम क्या है, नेक्स्ट काम आपका ये है, यहाँ पे है कि शो द रिजल्टेंट टेबल वेयर ब्रांड इज टोयोटा फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, कि आपने शो करवाना है रिजल्टेंट टेबल को जहाँ पे ब्रांड जो है वो टोयोटा होगी प्रोडक्ट टेबल में। अब यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास टेबल है और यहाँ पे ब्रांड जो है वो कौन सी है, टोयोटा ब्रांड की हमारे पास 1, 2 और 3 टोयोटा के 3 हैं। तो अब देखें कि जब हम क्यूरी लगाएंगे तो ये टोयोटा वाले जो हैं हमारे पास अलग से आ जाएंगे और यही हमारा टास्क है। हमने प्रोडक्ट टेबल से टोयोटा वाले जो हैं उनको टेबल में अलहदा टेबल में लाना है और फिर उनका स्क्रीनशॉट लेना है। तो उसके लिए हम क्या क्यूरी राइट करेंगे यहाँ पे देख लेते हैं। उसके लिए आप लिखेंगे सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम प्रोडक्ट वेयर ब्रांड प्रोडक्ट ब्रांड टोयोटा। इसको कॉपी किया मैंने और यहाँ पे SQL में जाके यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। अब यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया, गो करेंगे। गो करने के बाद ये देखें कि हमारे पास जो है प्रोडक्ट टेबल में जो हमारे पास टोयोटा ब्रांड थी, ठीक है, वो हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट टेबल में आ गई है। इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। उसके बाद नेक्स्ट दो स्क्रीनशॉट हमारे हो गए। नेक्स्ट काम क्या है कि हमने प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, प्रोडक्ट टेबल से हमने प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं जस्ट ये दो चीज़ें शो करवानी है प्रोडक्ट टेबल से। उसके लिए हम क्या क्यूरी राइट करेंगे यहाँ से हम देख लेते हैं कि क्या लिखेंगे। सेलेक्ट प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस फ्रॉम प्रोडक्ट, इसको कॉपी करती हूँ और यहाँ पर ले जाके तो SQL में अगेन जाएंगे और यहाँ पर हम अपनी क्यूरी जो है वो राइट करेंगे। ये क्यूरी मैंने राइट की, इसको गो करेंगे, क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट हो गई और प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट नेम्स और प्रोडक्ट प्राइसेस जो हैं वो हमें शो हो गई हैं। तो इसका भी आपने स्क्रीनशॉट ले लेना है। इस तरह से स्क्रीनशॉट इसका लेंगे, 3 स्क्रीनशॉट हो गए। नेक्स्ट वन है कि शो द रिजल्टेंट टेबल प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट प्राइस ऑफ होंडा फ्रॉम प्रोडक्ट टेबल। अब प्रोडक्ट टेबल में जो हमारे पास होंडा है, ठीक है, होंडा ब्रांड है, उसकी हमने प्रोडक्ट और नेम बताने हैं। तो इसके लिए भी हम क्यूरी राइट करेंगे। यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं क्या क्यूरी हमने राइट करनी है। ये क्यूरी हम राइट करेंगे, इसको मैं यहाँ पे जाके SQL में गई, SQL में आके तो यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे। उसके बाद हम इसको गो करेंगे तो ये हमारा आ गया प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट प्राइस। ठीक है, तो दो ही हमारे पास होंडा के दो ही थे तो होंडा वाले दोनों हमारे पास आ गया है।
इसका भी स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट वन है कि हमारे पास यहाँ पे है कि शो द रिजल्ट एंड टेबल प्रोडक्ट नेम प्रोडक्ट ब्रांड ऑफ मोबाइल, ठीक है, मोबाइल विच प्राइस इज ग्रेटर देन। अब हमारे पास मोबाइल प्रोडक्ट टेबल में हमारे पास मोबाइल जो ब्रांड है उसकी तीन चीज़ें हैं, ठीक है, तीन हैं उसमें हमारे पास तीन प्रोडक्ट नेम और प्रोडक्ट ब्रांड्स है, ठीक है। तो हमने जस्ट वो शो करवानी है जिसकी प्राइस जो है वो साढ़े तीन 3,300 से ग्रेटर होगी, जस्ट हमने वो शो करवानी है। तो वो हमारे पास दो हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मोबाइल ये है, ठीक है, इसकी 3,200 है, इसमें की ये लेस है, ये हमारी टेबल में शो नहीं होगी। उसके बाद ये है, ये ग्रेटर है, ये शो होगी, और उसके बाद ये है, ठीक है। तो ये और ये जो है ये शो होंगे। किस तरह से शो करवाएंगे उसके लिए हम यहाँ से क्यूरी राइट करेंगे, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ SQL में गए और यहाँ पे हम इसको राइट करेंगे और राइट करने के बाद हम इसको गो करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो है वो आ गया, जो 33,000 से ज़्यादा प्राइस थी मोबाइल की वो हमारे पास शो होगी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। होपफुली वीडियो जो है वो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आप पेड असाइनमेंट बनवाना चाहते हैं आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं जीमेल पे, जीमेल आईडी है itslakhtar@gmail.com। इन सब स्क्रीनशॉट्स को जो हमने लिए हैं इनको आप वर्ड फाइल में रखेंगे और वर्ड फाइल को आप अपलोड करेंगे अपने LMS पे।